चलिए जी दोस्तों, आज का एक्सरसाइज जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ये हम बात नहीं करेंगे कि बहुत जोर से हवा आ रही है ना, वॉइस अच्छा नहीं आएगा, तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। 1 2 3 तो देखिए दोस्तों, दीपा अभी क्या कर रहा है, पूरा घर को क्लीन कर रहा है। ठीक है, काम ज्यादा है ना, इसीलिए जल्दी। हाँ, इसको मटन भी खाना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ मेरा और एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस देखिए, मैं फिर से आ गया और एक न्यू ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो बहुत दिन का बाद आई हूँ मैं ब्लॉग बनाने में। तो दोस्तों जी, अगर आप सभी ने इस वीडियो को प्यार नहीं करोगी, तो सपोर्ट नहीं करोगी, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पे गायब हो जाऊंगी। प्लीज दोस्तों, मुझे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहना। और हाँ जी दोस्तों, आज हमारा काम है कि एक्सरसाइज करने वाला। आप सभी ने बहुत सारा कमेंट किया था कि एक्सरसाइज वाला वीडियो बनाओ, तो फाइनली यही ड्रेस में, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो एक्सरसाइज करने जाऊंगी। तो चलिए, आज के वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना। अगर चैनल पे जिसने भी नया है, प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और घर पर भी बहुत सारा काम है, घर को भी पूछा लगाना पड़ेगा, तो चलिए वो सब कर लेते हैं। और आप सबने बहुत सारा कमेंट करते रहते हैं कि बेबी को मतलब दूध पिलाने वाला वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ। हमने तो उस दिन बनाया था, दिखाया था, अभी फिर भी और एक बार बना दूंगी, आपका सामने भी दिखा दूंगी। ठीक है, आप सभी को प्रूफ भी मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी चलते हैं, पहले घर पे सब लोग क्या कर रहे दिखा देते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। देखिए जी दोस्तों, अभी बेंगलोर इतना दिन के बाद मैं दिखा रही हूँ हमारा रूम का पास कुछ नज़ारा। देखो कितना अच्छा दिखता है बारिश का मौसम है। कल तो धूप था, लेकिन आज बहुत जोर से बारिश आने वाला है। देखो मैंने बहुत सारा कपड़ा भी धो के सुखाया था कल रात को। और देखो हमारा इधर कितना सारा फ्लावर का पेड़ भी है, इधर रेड रोज, इधर पिंक रोज, तो पूरा अच्छे से हुआ था, फिर अभी सूख चुका है, फिर भी टाइम आ रहा है, वो अच्छे से हो जाएगा। इधर देखो व्हाइट कलर रोज, किसको कौन सा रोज पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता देना प्लीज़। तो उधर साइड में देखो जी, कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। इधर देखो फ्लावर का पेड़, इधर भी एक फ्लावर पेड़, तो तुलसी का पेड़। तो देखो इधर साइड में कितना अच्छा नज़ारा, देखो बहुत ही अच्छा लगता होगा मैं आशा करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट करके बताना, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो गाइस देखो मेरा बच्चा अभी कितना सारा मतलब टॉयस इधर इधर उधर करके डाल दिया है, कुछ कमरों के अंदर डालते हैं तो ऐसा ही करता है। बहन देखो रेडी हो रहा है ड्यूटी जाने के लिए, संडे भी उसका ड्यूटी है। और इधर देखो हस्बैंड और लक्की ने मोबाइल देख रहा है, हस्बैंड ने अभी सो रही है। कुछ बोलोगी उठने का बाद बताओगे? अच्छा, तो देखो मैंने कल कितना अच्छे से कपड़ा सब फोल्ड करके रखा हूँ, हमारे रूम को देख लो, बहुत दिन का बाद देख रही हो। तो उसके बाद देखो हमारा नाश्ता ब्रश क्या है, मैगी है। देखो आज बहन ने पूरा मैगी तैयार कर लिया है, वो खा के जाएंगे। और कल रात को कुछ राइस बचा था और सब्जी बचा था, वो पूरा रख लिए हैं। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी एक्सरसाइज कर लेते। तो गाइस आप सभी ने तो देख ही लिया घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम जितना भी आज जितने टाइम तक भी एक्सरसाइज करूंगी ना, आप सभी को एक्सरसाइज पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी चलते हैं, सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए जी दोस्तों, आज का एक्सरसाइज जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ये हम बात नहीं करेंगे कि बहुत जोर से हवा आ रही है ना, वॉइस अच्छा नहीं आएगा, तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। 1 2 3
गाइस देख लो अभी तो मेरा सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो चलिए जी दोस्तों आज देखते हैं हमारा नाश्ते पे, आज मैगी तो हुआ था तो चलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद घर पूछा लगाएंगे और उसके बाद बेबी मेरे से दूध पीता है क्या नहीं पीता है वो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, ओके। देखो जी दोस्तों आज हमारा नाश्ता पे मैगी है, तो आज दोस्तों साथ में खाते हैं मैगी। खाने के बाद मिलते हैं घर पूछने का टाइम, उसके बाद बेबी को खाना खिलाएंगे, ठीक है। देखने के लिए तैयार होना। तो देखिए दोस्तों दीपा अभी क्या कर रहा है, पूरा घर को क्लीन कर रहा है, ठीक है। काम ज्यादा है ना इसीलिए जल्दी। हाँ उसको मटन भी खाना है, ठीक है, इसीलिए फटाफट काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो मार्केट जाएगा मसाला लेने के लिए। मैं तो मटन लेके आ जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा बेबी का साथ कंपनी में थोड़ा, इसी वजह से वो फटाफट काम कर रहा है, ठीक है। देख लो कितना जल्दी, फिर उसको ये काम खत्म करने का बाद वॉशरूम साफ करने का काम है, ठीक है ना गाइस। भाई उठाओ। और देखो गाइस आप सब ने बोल रहा था बेबी को दूध क्यों नहीं पिलाते हो, देख लो बेबी क्या पी रहा है, बेबी क्या दूध नहीं पी रहा है, पी रहा है ना, लेकिन उसका दूसरा था एक कंटेंट था तो उसका जितना तक करना था उसको वो भी बोलता है। हाँ उसको जितना तक करना था वो किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि बेबी दूध पी रहा है लेकिन ज्यादा नहीं पी रहा है, और जो भी पी रहा है गाय का दूध पी रहा है, अभी भी बोतल से पी रहा है, गिलास से नहीं पिया है, हम गिलास दिया ही नहीं उसको पीने के लिए, तो दे देंगे उसको बहुत जल्दी, ठीक है। लकी लकी हाय करो, पूछ लो कैसे हो सब दोस्तों। तो गाइस देख लिया आपने लकी बेटा को, लकी बेटा रेडी है अभी गाएगा घूमने के लिए मेरा साथ, ठीक है। तो उसका मम्मी को छोड़ के चला जाएंगे हम, उसका मम्मी अभी किचन रूम साफ कर रहा है, उसका काम करने दो, उसके बाद वो वॉशरूम साफ करेगा, ठीक है गाइस। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए मैं प्याज और लहसुन लेके आ चुकी हूँ। तो इधर ना बेंगलुरु में प्याज और लहसुन का मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका रेट देखो प्याज 1 किलो ₹60, लेकिन लहसुन 250 रुपीज, लहसुन 250 रुपीज। देखो गाइस कितना सारा पैसा, भगवान मेरा दिमाग ही खराब हो गया। फिर क्या करें, आज तो जैसे भी हो मटन बनाना चाहिए ना, इसलिए स्पेशल मटन बनाने के लिए हमको तो लहसुन का जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेस्ट मिलता है अदरक और लहसुन का पेस्ट दुकान में, वो टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो फाइनली हम ये इसमें बनाएंगे तो मतलब घर पे तैयार करेंगे मसाला बनाएंगे तो मटन पूरा टेस्टी आएगा, सुपर लगेगा। आपने तो खाई होगी, आपको तो पता हो गया होगा। तो चले जल्दी जल्दी लहसुन छड़ा लेते हैं, इसका मतलब को क्लीन कर देते हैं लहसुन को, और इसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे मटन लेके, उसके बाद हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस प्लीज आज का वीडियो को मिस मत करो, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं वीडियो मतलब ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आप आज का वीडियो को मिस कर दोगी तो सब कुछ मिस कर दोगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो चलो लहसुन क्लीन करने के बाद हम आपसे मिलते हैं, ओके। हस्बैंड जब आएगा उस टाइम दिखाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों देख लो हम तो खाना खिला के पूरा रेडी हो चुके हैं, और देखो आज हमारा खाने पे क्या क्या है, राइस और मटन। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद मैं जो भी बोला था ना वो काम करूंगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, प्लीज वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करना, वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, ठीक है। खाना खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए अभी तो पूरा वीडियो शाम बना लिया था, तो बना के पूरा अच्छा नींद में सो ही गया था, पता नहीं चला। अभी तो पूरा शाम 7 बजे हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना, ठीक है। तो बेबी भी नीचे चला गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग को यहीं पे कम्प्लीट कर देते हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। तो फाइनाली सांग मैंने देखु आम तो उठी सारे, तो लकी एवं कांदुची कारण लकीर टे मोबाइल दरकार से। तो सांग मैंने चलते मुझे देखेदे घरे समस्ते कौन कर, कारण आज तो हूँ जन्माष्टमी, तो लकी को भी रेड करार अच्छी, गाधे देवार अच्छी। तो देखु सिस्टर जी एवं गाधे पलि जा,
चलते देखीदे घर कौन कौन चल सब ठीक अच्छे। तो सांग मैंने घर तो हजबैंड ना ड्यूटी जाइंट तो भात फाइनाल हो सारा तरकारी हबार बाकी अच्छी तो चलतु जल्दी जल्दी तरकारी रोसे करदे ठीक अच्छे। आउे लकी को टे मोबाइल दे से देखिए मुझे रोसे कर सारा लकी को अच्छे से गाधे देवी ठीक अच्छे। चल जल्दी जल्दी कम सारी दबा भिडियो को पूरा देखते ओके आम लकी को कमी आज छोट कृष्ण सजेबी से देखु।